गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BVN ई लर्निंग क्लासेस। टुडे डेट इज 7 जुलाई 2020, डे ट्यूसडे। स्टूडेंट्स, हमने 9 यूनिट शुरू कर रखी थी अपनी, तो 9 यूनिट में हमने 9.1 के क्वेश्चन 1 to 5 हमने कर लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। कौन से जो हमारे पेयर्स हैं वो सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेशनल नंबर्स, मतलब दोनों पेयर सेम है। स्टूडेंट, हियर इज सम क्वेश्चंस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनमें से आपके कुछ एग्जांपल्स, सॉरी कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो पार्ट है वो है स्टूडेंट -7/21 and 3/9। तो स्टूडेंट्स, -7/21 को हमने कन्वर्ट कर लिया है इसकी लोएस्ट टर्म में, दोनों को हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो -7/21 को हमने डिवाइड किया 7 को, और 21 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 × 7 and 7 × 3 = 21। इसी तरह से 3/9 को हमने स्टूडेंट्स डिवाइड किया है 3 से, तो देखिए स्टूडेंट्स 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 1/3। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो -7/21 को लोएस्ट में किया तो -1/3, और 3/9 को किया है तो 1/3। दोनों ही सेम है, बट माइनस का फर्क है, नेगेटिव वैल्यू। -7/21 इज़ द माइनस वैल्यू, एंड ये 1/3 हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट इक्वल, ये हमारे रेशनल नंबर इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक और पार्ट है स्टूडेंट, देखिए वन मोर पार्ट, -16/20 and 20/-25। दोनों को हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट, दोनों को ही हमने डिवाइड कर लिया है, यहाँ हमने इसे भी 4 से डिवाइड किया है और इसे हमने 5 से डिवाइड कर लिया है ऊपर नीचे, दोनों का ही हमारा जो आंसर है वो स्टूडेंट्स -4/5 आ रहा है। तो दिस इज अ इक्वल रेशनल फ्रैक्शन, ये हमारा इक्वल रेशनल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट वन इज -2/3 and 2/3। स्टूडेंट, माइनस से ऊपर का मतलब न्यूमिनेटर का माइनस हमारे डिनोमिनेटर के माइनस से कैंसिल हो जाता है, तो स्टूडेंट ये हमारे 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये हमारी लोएस्ट में कन्वर्ट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो हमारा ये भी क्या है, ये भी हमारा इक्वल फ्रैक्शंस है। सो स्टूडेंट, बाकी की जो पार्ट्स है इसके उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट हमारा इसका, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज -8/6। -8/6 स्टूडेंट्स, आप एक ऐसी टेबल ढूंढिए जिससे ये दोनों ही हमारे डिवाइड हो जाएं, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए वो, तो -8/6 स्टूडेंट हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों ही 2 के अलावा ये कोई और ऐसी टेबल नहीं है जिससे दोनों ही डिवाइड हो जाएं, तो स्टूडेंट 2 से हम ऊपर नीचे डाउन में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -4/3। इससे ज़्यादा ये लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट, -44/72। तो देखिए स्टूडेंट, -44/72, इन दोनों को हमने HCF किया, HCF भी कर सकते हैं, या आप ऐसी एक टेबल भी ढूंढ सकते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी की बड़ी देखेंगे, बड़ी टेबल देखेंगे तो दोनों ही हमारे 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है हमारा -11/18। अब ये कोई भी और ऐसी टेबल नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका इसका एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट भी है आपकी बुक में, आपको वहाँ से वो देखना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। अब हमें पुट द साइन करने स्टूडेंट, साइन लगाने हैं। तो देखिए फर्स्ट का आपका पार्ट है -5/7 (2/3). स्टूडेंट्स, इस तब आपको पता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पॉजिटिव इंटीजर आपके नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख आप दिख रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स 2/3 इज़ ग्रेटर दैन -5/7। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज -4/5 and -5/7। स्टूडेंट, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं अब यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को LCM लेंगे एंड दोनों का पहले हम क्या करेंगे, एक लाइक फ्रैक्शंस बना लेंगे, तो उसके बाद क्योंकि हम इसे आपस में इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोनों स्टूडेंट, दोनों को हमारा LCM आएगा 35, क्योंकि 5 की टेबल और 7 की टेबल में जो सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 35। तो स्टूडेंट, हमने दोनों जगह 35 बना लिया। जब हम न्यूमिनेटर में किसी डिजिट डिनोमिनेटर में जब हम किसी डिजिट से किस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमिनेटर में भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो देखिए यहाँ आपका माइनस फोर अपॉन फाइव की जगह आ जाएगा माइनस 28 अपॉन 35 और माइनस 5 अपॉन 7 की जगह आ जाएगा माइनस 25 अपॉन 35। अब दोनों ही कॉमन है आपके। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट माइनस 28, वैसे तो आप नॉर्मल डिजिट देखें तो स्टूडेंट 28 इज ग्रेटर दैन 25, बट सिंस दिस इज द नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है, दैट्स वाई माइनस 25 इज ग्रेटर दैन माइनस 28। इसका मतलब माइनस 5 अपॉन 7 इज ग्रेटर दैन माइनस 4 अपॉन 5। नेक्स्ट वन इज माइनस 8 अपॉन 5 एंड माइनस 7 अपॉन 4। इसी तरह से हम इसमें भी स्टूडेंट दोनों ही नेगेटिव है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे इनका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करने के बाद आप देख पा रहे हैं एक जगह आपका माइनस 32 आ रहा है और एक जगह माइनस 35 आएगा। तो माइनस 32 आपको जैसा कि हमने अभी भी बताया है कि नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम होती है वो क्या होती है आपकी बड़ी होती है डिजिट्स। तो माइनस 32 इज़ ग्रेटर देन माइनस 35, दैट्स मीन माइनस 8 अपॉन 5 इज़ ग्रेटर देन माइनस 7 अपॉन 4। नेक्स्ट एक और पार्ट है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 0 एंड माइनस 7 अपॉन 6, जैसा कि हमने आपको बताया था कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपके नेगेटिव वैल्यू से क्या होती है बड़ी होती है, सिंस 0 भी, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव, लेकिन वो हमारे नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है बड़ा होता है। पॉजिटिव इंटीजर से तो वो छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर से वो क्या होता है हमारा बड़ा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच इज़ द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेटर बताना है स्टूडेंट, वही पुट द साइन जैसे अभी हमने बताया था आपको, तो वही कर दिए हैं, वही चीज़ है सेम, 2 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे न्यूमिनेटर भी चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका 2 अपॉन 3 की जगह हो जाएगा 4 अपॉन 6 और 5 अपॉन 2 की जगह हो जाएगा 15 अपॉन 6। तो आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में स्टूडेंट जो जैसी वैल्यू होती है वैसी ही देखी जाती है, इट मींस अगर कोई बड़ा नंबर है तो वो बड़ी ही वैल्यू मानी जाएगी। तो 15 अपॉन 6 इज़ ग्रेटर देन 4 अपॉन 6, इट मींस 5 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 3 ऑल 2 अपॉन 7 एंड माइनस 3 ऑल 4 अपॉन 5। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। माइनस 3 ऑल 2 अपॉन 7 हमारा हो जाएगा माइनस 23 अपॉन 7 एंड माइनस 3 ऑल 4 अपॉन 5 हो जाएगा माइनस 19 अपॉन 5। स्टूडेंट्स तो माइनस 23 अपॉन 7 हो जाएगा, एक जगह आपका माइनस 23 अपॉन 7 और दूसरा माइनस 19 अपॉन 5। दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इक्वल फ्रैक्शन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस 23 अपॉन 7 एक जगह है आपका माइनस 19 अपॉन 5। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लाइक फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, दोनों ही आपके 35 हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा माइनस 115 यहाँ हो जाएगा माइनस 133। तो आपका माइनस 115 इज़ ग्रेटर देन माइनस 133। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं आपके जो आपको इनके सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं स्टूडेंट, तो असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट जो सबसे पहले सबसे छोटा होता है वही लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज द नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव में जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसकी जो जितनी बड़ी डिजिट्स होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो माइनस 3 अपॉन 5 सबसे पहले आएगा, उसके बाद माइनस 2 अपॉन 5 एंड देन माइनस 1 अपॉन 5। तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी ही असेंडिंग ऑर्डर में हमारा लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन है वही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 9 एंड माइनस 4 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं जैसे कि तीनों के ही हमारे क्या है, हमारे जो तीनों ही नंबर हैं वो अलग अलग हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इनको कन्वर्ट कर लेंगे सेम डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर कन्वर्ट होंगे तो स्टूडेंट हमारे न्यूमिनेटर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो 1 अपॉन 3 की जगह हो जाएगा 3 अपॉन 9, 2 माइनस 2 अपॉन 9 की जगह हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 9, क्योंकि 9 ही आएगा इसका हमारा एलसीएम। माइनस 4 अपॉन 3 की जगह माइनस 12 अपॉन 9। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए आपका माइनस 12 अपॉन 9 हमारा सबसे छोटा है, उसके बाद माइनस 2 अपॉन 9 एंड सबसे बड़ा नंबर है हमारा 3 अपॉन 9। इसी के हिसाब से हम इनके नंबर लगा देंगे। तो इसका एक और पार्ट है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आपको कोशिश करनी है करने की। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ स्टूडेंट्स।